हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज बताएंगे हम पेटीकोट की नाप लेकर पेटीकोट की कटिंग कैसे करेंगे। फ्रेंड, बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, एक बार में ही, जो बहुत लोगों से गोट लगाते समय झोल आ जाती है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो इस तरह से हमें लेनी चाहिए नाप, और इस तरह से हम करते हैं पेटीकोट की नाप लेकर कटिंग। तो चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड, वीडियो तो देख लेते हैं मगर बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये हमने पेटीकोट बनाया है, और पतले लोग होते हैं बहुत से ऐसे, जो ऊपर जो पार्ट जोड़ते हैं उनमें वो नहीं डालते हैं प्लेटें। बहुत लोगों जो जिनकी मोटी कमर होती है उनमें हमें प्लेटें डालने ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा है बिना प्लेटों का, ऊपर से बिल्कुल हमने रेडीमेड जैसा बनाया है। तो इसके बारे में आज बताएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सरल तरीका है। बहुत लोग प्लेट वाला पसंद करते हैं, बहुत लोग सादा पसंद करते हैं। तो ये हमारा सादा पेटीकोट है, और गोट की साइड से हमने प्लेटें बिल्कुल नहीं डाली हैं, और सादा ही इसमें हमने नीचे रखा है, इसमें कोई झालर नहीं लगाई है, पैंचे वाला बनाया है। जैसे हम पैंचे रखते हैं वैसा ही हमने इसमें नीचे रखा है। तो उसी के हिसाब से आज हम इसकी बताएंगे नाप हमें कैसे लेना है, और कैसे हम अपने पेटीक्यूट की कटिंग करते हैं, और हमें प्लेटें डालना चाहिए मोटे लोगों में, पतले लोगों में, या नहीं डालना चाहिए। तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए दिखाएंगे हम आगे। मैं तो पतले, जो ज़्यादा पतले लोग होते हैं तो उनकी तो कमर वैसे ही पतली होती है, तो इसलिए मैं उसमें प्लेटें नहीं डालती हूँ, और जो मोटे लोग होते हैं प्लेटें उसमें ही डालती हूँ मैं। तो देखिए, ये है हमारी कमर। तो कमर हमारी हो रही है ऐसे 17 से 18 कमर है हमारी। तो हमें जितना हमारी कमर है हमें उतना ही नाप लेना है, उससे हमें 1 इंच बढ़ा के रखना है, 1 या 1.5 इंच, क्योंकि हमें अंदर सिलाई लगानी पड़ती है। 1 इंच डेढ़ से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड सिलाई लगती है। तो ये हो गई है हमारी कमर। देखिए, इसमें प्लेटें नहीं पड़ी हैं, जो हमने ऊपर पार्ट ज्वाइन करें उसमें हमने प्लेटें नहीं डाली हैं, क्योंकि मोटी औरत का पेटीकोट नहीं है, सादा पतली औरत का पेटीकोट है। तो हमें जब गोट ये ज्वाइन करना है तो हमें पहले अलग से बिल्कुल गोट का कपड़ा निकालना है, और अलग से हमें अंदर एक कच्ची सिलाई लगा लेना है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद, पेटीकोट के पार्ट जोड़ने के बाद, इसके बाद ही तो हम बेल्ट लगाते हैं। तो जब हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे बेल्ट में इधर उधर से, तो हमारा कपड़ा जहाँ का तहाँ पे रुक जाएगा, और वो खींचेंगे तो वो खींचेगा भी नहीं। इससे हमारी जो बेल्ट हम लगाएंगे वो हमारी जैसे आगे पीछे नहीं होगी। बहुत लोगों से आगे पीछे हो जाती है तभी झोल आ जाती है, और वो बहुत ऐंठी ऐंठी सी रहती है। तो मैं पेटीकोट में गोट इसी तरह से लगाती हूँ। पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ अलग निकाल के, इसके बाद से सिलाई लगाने के बाद मैं पेटीकोट में अटैच करती हूँ। इसके बाद नीचे झालर लगाती हूँ। झालर लगाओ चाहे पैंचे बनाओ, जो कुछ बनाओ। तो देखिए, ये हमने अंदर पलट दिया, जो हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं उसको अंदर हम पलट देते हैं। पहले ही हमें गोट पूरी तैयार करने के बाद, इसके बाद ही हम पेटीकोट में लगाते हैं। हमारी गोट में बिल्कुल जैसे वो झोल नहीं आती है, और बहुत अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ लग जाती है। तो ये सबसे अच्छा और सरल तरीका है। अगर आपको गोट लगाने में कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे बताए हुए आइडिया से आप गोट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी, और आपकी गोट भी ऐठी ऐठी नहीं रहेगी। तो ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा आप सबके लिए। और ये है हमारी पेटीकोट की लंबाई। तो हमें जितना पेटीकोट बनाना है लंबाई का, तो हम उतनी लंबाई निकाल के और निशान लगा लेना है कपड़े पर जब कटिंग करेंगे तब हमें, और फिर इसके हिसाब से हम अपने घेर, जितना हमारा घेर होता है एक साइड से हमें घेर ले लेना है, और जितनी हमारी कमर होती है ऊपर एक साइड से हमें कमर का नाप ले लेना है। तो हम इस तरह से करते हैं पेटीकोट की कटिंग। बहुत ही सरल आइडिया है, फ्रेंड पसंद आएगा ज़रूर। तो हमें ज़रूर बताना और लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो ये है हमारी पेटीकोट की बहुत ही सरल तरीके से बताने का आइडिया। तो आइडिया ज़रूर पसंद आएगा आप सबके लिए। और ये है हमारा नीचे से घेर, और हमने नीचे से झालर नहीं लगाई है, नीचे से हमने रखे हैं पैंचे, जैसे हम अपने पैंचे बनाते हैं उसी के हिसाब से। तो ज़्यादातर लोग सादा ही पेटीकोट पहनना पसंद करते हैं।
चलिए अब मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।